तो मुरुखा जी का प्रमाण है महाराज। डॉक्टर बोल दें कि बहू को जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगी, तो तुमरुका जी का नाम लेकर हाथ में गुड़ की साठ डली रख लो छोटी छोटी, और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर बहू को सुबह शाम में दोपहर में रात में तीन चार बार में वो गुड़ की डली पूरी खिला दो। तुमरुका जी का नाम लेकर ऑपरेशन से कभी बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रभाव, इतना तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हो, 10-10 साल हो गए हो, 12 साल 15 साल 18 साल हो गए हो, घर में बच्चे ना हो, पुत्र ना हो, संतान ना हो, सारा इलाज करवा लिया हो, तो शिव महापुराण का एक इलाज जरूर करना, सफेद आंकड़े की जड़। सफेद जो आंकड़ा का पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की छोटी सी जड़ ले लो, उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, तुमरुका जी का नाम लेकर उस पर पानी चढ़ा दो, और शंकर जी के ऊपर से घुमाकर लाल धागे में बहू हो बेटी हो जो भी हो जिसको संतान नहीं हुई हो, रजस्वला धर्म के सातवें दिन, जब तक सात दिन तक नारी काम नहीं करती ना, रजस्वला धर्म के सातवें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर बहू की कमर पर या बेटी की कमर पर जो भी है जिसको संतान नहीं उसकी कमर पर बांध दो, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। तुमरुका जी के नाम का इतना स्मरण है, तुमरुका बहुत ध्यान दीजिए। जिस व्यक्ति का बुखार नहीं उतर रहा, शरीर में कष्ट ही कष्ट, रोग ही रोग, कभी बुखार आ गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी घुटना दुखे, कभी कमर दुखे, केवल जिसको रोगीला व्यक्ति हो, एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करिए तुमरुका जी के नाम से, उसी जल को झेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर बाल्टी में डालकर उस रोगीले व्यक्ति को अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्नान करा दीजिए महाराज, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, एकदम स्वस्थ होते चले जाएगा स्वस्थ। तुमरुका कोई सहज, शंकर की कथा बाचने वाले तुमरुका जी के सम्मुख में चंचुला देवी ने जाकर विनती करी, चंचुला देवी विनती, बाबा